मैं सुजीत कुमार मिश्रा क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आइए देखते हैं संस्कृत में जहाँ तक हम पढ़े थे उससे आगे पढ़े थे स्वर संधि। स्वर संधि पढ़े थे दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के बाद हम पढ़े थे दीर्घ स्वर संधि, उसके पांच भेद होते थे उसमें पढ़े थे दीर्घ स्वर संधि। अभी पढ़ते हैं उससे आगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में कहता है यदि अ या आ, देखिए अ या आ के बाद यदि हर्षय या दीर्घय आए, अ या आ के बाद यदि हर्षय या दीर्घय आए तो उसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यदि अ या आ के बाद हर्षय या दीर्घय आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। कहता है यदि अ या आ के बाद हर्षव या दीर्घव आए तो ओ हो जाता है। कहता है उससे आगे यदि अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। और या आ के बाद यदि हर्षय या दीर्घय आए तो क्या होगा, ए होगा। और या आ के बाद यदि हर्षव या दीर्घव आए तो ओ होगा। यदि अ या आ के बाद री आए तो क्या होगा, अर होगा। चलिए अब ये चीज था, ये याद करना पड़ता है, ये याद कीजिएगा तब इसका एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। कहता है यदि अ या आ के बाद, जैसे महेश, महेश क्या होगा, महा जोग इस, महा जोग इस। यहां देखिए महेश यहां आ है, क्या है आ, यहां दीर्घय है, दोनों जुट के क्या होगा, बोले थे ए होगा। यदि अ या आ के बाद हर्षय या दीर्घय आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो देखिए ह पे ए है, महेश आ के बाद हर्षय या दीर्घय आ रहा है। जैसे हम देखते हैं महेंद्र, इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं होगा महाजोग इंद्र, महाजोग इंद्र आ है हर्षय है, दोनों जुट के ए होता है, क्या हुआ महेंद्र। जैसे देखते हैं रमेश, क्या होगा रमा जोग इस, रमा जोग इस। ये सभी देखिए ये संधि विच्छेद जो है छोटा छोटा संधि विच्छेद होता है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है। हम क्या करते हैं ये सभी जो सूत्र होता है, ये फॉर्मूला जो है इसको याद करना पड़ता है। जैसे अभी आपको हम बताए अ या आ के बाद यदि हर्षय या दीर्घय आए तो ए होता है, अ या आ के बाद यदि हर्षव या दीर्घव आए तो ओ होता है, अ या आ के बाद यदि री आए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ये सभी चीज जानते हैं। इसका एग्जाम्पल देखे तो एग्जाम्पल में देखे देखिए ए, अब देखिए एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे जो इसको ऐसे तोड़ना है, ठीक। तो देखते हैं ए का ए आता है, क्या देखे रिजल्ट जब हमको आता है तो क्या आता है ए, इस पे देखिए ए है, इसका मतलब है जिस अक्षर पे ए है वहां से वह दो भाग में डिवाइड होगा। जिस अक्षर पे ए है वहां से वह क्या होगा, दो भाग में डिवाइड होगा। आपको बताए थे हम दो भाग में डिवाइड तो होता है संधि या संधि विच्छेद में, दो या दो से अधिक भाग में डिवाइड तो होता है, लेकिन जितना भाग में डिवाइड करते हैं उस सबका अर्थ निकलता है। उस सबका क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। अर्थ निकलने का मतलब ये है, देखिए इसमें आप एक शब्द और आपको बोल सकते थे, जैसे मह भी लिख सकते हैं सर, मह मह क्योंकि मह का कोई अर्थ नहीं निकलता है, मह का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए मह नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा का एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं उसी में आगे। कहता है हम आपको बताए थे यदि अ या आ के बाद हर्षव या दीर्घव आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। देखिए इसे अ या आ के बाद यदि हर्षव ज्ञान जोग उपदेश, ठीक है यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ हर्षव है, दोनों जुटेगा तो ओ हो जाता है। अब देखिए आपको हम संधि में जब पहला क्लास था तब ये बात बताए थे, आखिर संधि जब दो भाग में विभक्त होता है तो होता क्या है, यहाँ से ज्ञान के पास से जुटता है तो ज्ञान पे ओ का लगा, ज्ञानोपदेश महाजोग उत्सव आ है हर्षव है, दोनों जुटा क्या हो गया महोत्सव, क्या हुआ महोत्सव। यहाँ देखिए महा में आ है, यहाँ हर्षु का है, दोनों जुटा ओ हुआ, क्या हुआ महोत्सव। जल जोग उर्मी अ है हर्षव है, दोनों अगर मिला तो क्या हुआ जलोर्मी, क्या हुआ
जलोर मी ओ का हो गया। कहता अब इसके बाद बताए थे जो यदि ओ या आ के बाद यदि री आए, ओ या आ के बाद क्या आए, री आए, तो उसका क्या हो जाता है, अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। इसी में देखते हैं देव जोग ऋषि, देव जोग ऋषि, यहाँ देखिए ओ है और री आ गया, क्या होगा, अर हो जाएगा। देव जोग ऋषि क्या हुआ, देवर्षि, क्या हुआ, देवर्षि। महा आ है, री है, महा योग ऋषि क्या हुआ, महर्षि हुआ। ये सभी जितना आप एग्जाम्पल देखे, सभी एग्जाम्पल दसवीं क्लास में के बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। ये एग्जाम्पल को ध्यान देखिए, देखिए दसवीं क्लास में जो भी क्वेश्चन होता है उसमें 80% क्वेश्चन रिपीटेड होता है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। तो ये चीज आप देखे, ठीक है। इससे आगे देखते हैं अब अगला, चलिए देखिए वृद्धि संधि में देखते हैं। जो आप इससे पहले हम गुण संधि देखे थे उसमें देखे थे जो अ या आ के बाद यदि ए या ए आए तो क्या हो जाता था, ए हो जाता था। इसमें देखते हैं यदि अ या आ के बाद यदि ए या ए आए, अ या आ के बाद ए या ए आए तो क्या हो जाता है, अ हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब देखिए, ये दोनों का मतलब है, इसे लिखते हैं तो एक अगर ऊपर रहता है तो उसको कहते हैं ए, यदि दो ऊपर रहता है तो उसको कहते हैं ए, ठीक है। यदि एक ऊपर में है तो उसको कहते हैं ए, ये रिजल्ट में ये नहीं आएगा, रिजल्ट में ये नहीं आता है, रिजल्ट में दो ऊपर वाला आता है, ठीक है। रिजल्ट में क्या आता है, दो ऊपर वाला आता है। टूटता है एक में या दो में, कुछ में भी टूट सकता है, या तो एक में या दो में। तथा वृद्धि संधि यदि ओ या आ के बाद, यदि ओ या आ के बाद ए या अ आए तो ए हो जाता है, क्या हो जाता है, ए हो जाता है। इसी तरह कहता है ओ या आ के बाद यदि ओ या ओ आए, ओ या आ के बाद यदि ओ या ओ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। देखिए इसमें भी ऊपर में दो है, रिजल्ट में क्या आता है, ऊपर में दो वाला, ऊपर में कितना वाला, दो वाला। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कहता है देखिए एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है एक एक ए कैक। देखिए इसमें ऊपर में कितना है, दो। अब जब रिजल्ट आएगा तो या तो इसका होगा एक जोड़ एक, ठीक। देखिए ओ के बाद ए आया, ओ के बाद ए आया, क में ओ है, उसके बाद ए आया तो जुट के क्या हुआ, दो हुआ। जैसे हुआ सदैव, क्या होगा, सदा जोड़ एव, सदा जोग एव, ठीक है। अब देखिए इसमें भी यहां आ है, आ के बाद ए, दो वाला आया, रिजल्ट में क्या आया, दो वाला। ये दोनों क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा था। कोई भी स्कूल का अगर जो एग्जाम होता है, एट क्लास हो, नाइन्थ क्लास हो या टेंथ क्लास हो, देखिए संस्कृत में क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन को ही आप देखिएगा। जैसे आप अनुवाद में भी देखे थे, एक ही अनुवाद को बार बार करके कुछ हटा के पूछा जाता है, क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं और उसी क्वेश्चन को ना रिपीटेड करते रहता है। वही क्वेश्चन कभी एग्जाम में हाफ ईयरली एग्जाम होगा उसमें दे देता है, कभी एनुअल होता है उसमें दे देता है, ठीक है। फिर देखिए क्या देखे, एक एक क्या था, एक जोग एक, सदैव क्या था, सदा जोग एव। अब देखिए इसी तरह देखते हैं महो महो सधी, यानी कि दो है ऊपर में, क्या होगा, महा जोग औषधि, महोषधि। इसी का एक बार इसको क्वेश्चन ऐसे करके पूछा था, यही क्वेश्चन एक बार महा महोषधि करके पूछा था, एक बार महोषध दे दिया था, ठीक है, महोषध। तो देखिए ये हर्षी का दीर्घी का या नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर यहाँ दिया है तो आपको भी देना है, अगर नहीं दिया है तो आप भी नहीं दीजिएगा, ठीक है। अगर दिया है तो हम देंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं देंगे। जैसे बनौषधि, बनौषधि क्या होगा, बन जोग औषधि, क्या होगा, बन जोग औषधि, बनौषधि। इसे देखिए यही सब को, ये क्वेश्चन इसको ध्यान देखिएगा, एक एक, एक जोग एक, सदैव सदा जोग एव, ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन सदा जो एव जो सदैव है, इसको आप अगर
ये एब की जगह है एब और एब भी लिखते हैं तब भी सही होता है, ठीक है। ज्यादा जगह ये भी दिया रहता है एब और एब, अक्सर किताब में ये भी मिलता है एब और एब, अगर ये भी देते हैं तब भी सही है, अगर ये भी देते हैं तब भी सही है, ठीक है। कहता है वृद्धि संधि में देखे आप, यदि ओ या आ के बाद ओ या आ के बाद ए या ऐ आए, ओ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है, यानी ऊपर में कितना वाला, दो वाला। कहता है यदि ओ या आ के बाद ओ या ओ आता है, यदि ओ या आ के बाद ओ या ओ आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ये एग्जाम्पल देखे, यही एग्जाम्पल को इसी पे आपको जो एग्जाम्पल मिले, जहाँ 5, 10, 15 एग्जाम्पल मिले उसी को लिख के प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको उतना ही एग्जाम्पल देते हैं जो एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।